हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आया हूं CA20 by साउंड स्टैंडर्ड की तरफ से। और दोस्तों आप सभी की डिमांड थी कि भैया CA20 एम्पलीफायर दिखाइए। और इससे पहले दोस्तों मैंने जैसे कि बताया था मैंने आपको कि CA12 में यहाँ पे लाने वाला था तो मैं लेके आया। और नीचे कमेंट में मतलब भरमार थे आप सभी लोगों के कि भैया CA20 जो है वो एक बेस का एम्पलीफायर, मतलब कैसा बेस चलेगा, क्या परफॉर्मेंस है, खोल के दिखाइए, हमने अभी तक नहीं देखा। और सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे जो मेरे पास CA20 आया हुआ है ये एक्सक्लूसिव गोल्डन सीरीज वाला एम्पलीफायर है। और भैया धासु पावर जो है ना इसकी, आप एक बार लगा के देखिए, बेस पे चला के तो देखिए, ये जो दौड़ाता है ना बेस को तो मजा ही आ जाता है। तो चलिए आज हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसके आगे पीछे क्या चीजें मिल जाती है, अंदर खोल के पूरी डिटेल जानेंगे, क्यों लाया हूं मैं अपने एम्पलीफायर को बेसिकली, वो भी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और साथ ही साथ लगे हाँ तो आपको ओरिजिनल साउंड स्टैंडर्ड का CA20 या फिर कोई भी और सीरीज जो है अवेलेबल भी करा ही देता हूं। तो वीडियो काफी अच्छी होने वाली है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल पे हमें क्या क्या डिटेल्स जो है वो मिल जाती हैं। तो दोस्तों अभी आपको देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की साइड भी साउंड स्टैंडर्ड जो है वो मेंशन है। यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलता है तो ये चैसी पे, यानी इसके जो ऊपर का खोल है, ढक्कन है, ये कवर है, इसके ऊपर भी साउंड स्टैंडर्ड जो है वो मेंशन रहेगा। इस बात का बुधन है साउंड स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंशन है। आप साउंड स्टैंडर्ड का तो नाम काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस है, CA सीरीज को लेकर स्पेशल। कभी भी आप एम्पलीफायर में बोलते हुए देखेंगे अगर CA सीरीज लेना है तो साउंड स्टैंडर्ड का लीजिए, तो एग्जैक्टली गाइज वही एम्पलीफायर आपको देखने को मिलता है। मैं बात करता हूं कि आप इसमें ओरिजिनल कैसे पहचाने, या फिर दो तीन पॉइंट्स इस एम्पलीफायर के बारे में जो कि आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों ये CA20 यहां पे मेंशन है, CA20 ये बैक साइड भी मेंशन रहता है। अब यहां पे ब्लू अलग सीरीज, यानी ब्लू में जो है V2 V3 सीरीज भी आता है, बट यहाँ पे कंपनी ने डुप्लीकेशन को रोकने के लिए यहाँ पे बेसिकली ये गोल्डन सीरीज भी लॉन्च कर दिए। तो ये CA20 आपको गोल्डन में पीछे देखने को मिल जाता है। बात करता हूँ तो यहाँ पे स्टिकर यहाँ पे भी मेंशन है, साउंड स्टैंड बाय प्रोटेक जो है वो यहाँ पे आपको मेंशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये Volume 1 Volume 2 आ जाता है, Channel 1 Channel 2 का लेवल इंडिकेटर्स, एक्टिव प्रोटेक्ट सिग्नल एंड यहाँ पे लिमिटर, ये तीनों चारों इंडिकेटर एग्जैक्टली बिल्कुल दोनों में सेम है। बात करता हूँ स्विच ऑफ बटन की, तो यहां एग्जैक्टली कोने पे रहता है ये, यहां कहीं नहीं होता, वो यहां कोने पे होता है। और जस्ट उसके नीचे आपको एक चीज ये भी चेक करनी है कि डिस्ट्रीब्यूटेड बाय प्रोटेक ऑडियो मेंशन होना चाहिए, वो आप लंबी सी लाइन पे यहां पे देखने को मिल जाता है आपको, तो ये चीज जो है वो मेंशन होनी चाहिए। बाकी ये ओवरऑल अगर मैं एम्पलीफायर की बात करूं कौन सी क्लास में, तो दोस्तों ये क्लास H का एम्पलीफायर है। आप सभी को पता है कि बेस का परफॉर्मेंस और काफी हैवी स्पीकर्स को परफॉर्मेंस के लिए ये जो चीजें हैं, ये जो एम्पलीफायर अभी आप रखा हुआ सामने देखने को मिलता है, ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ऑलरेडी आप में लोगों में से काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं। चलिए अभी मैं आपको उसका बैक लुक भी जो है वो दिखाता हूं। और दोस्तों ये आ जाता है हमारे एम्पलीफायर का बैक लुक। अभी यहां पे मैं आपको एक एक करके सारी चीजें यहां वो डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं दो फैन का यूज करा गया है, एक ये है एक ये है। अभी तो मैं इसके अंदर के भी खोल की चीजें जो है वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अभी मैं क्लोज लेके जाता हूँ आप सभी को कि यहाँ पे हमें इनपुट आउटपुट में जो है वो सारी चीजें कैसे मिल जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको इनपुट और आउटपुट, यानी अगर आप सिग्नल इनपुट आउटपुट करते हैं तो दोनों ही XLR में मिलता है। तो ये आपका इनपुट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से आप चैनल लिंक कर सकते हैं दूसरे एम्पलीफायर को, तो यहाँ से लिंक कर सकते हैं। बात करता हूँ कि यहाँ पे सेटिंग्स की, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे सेंसिटिविटी मोड सिलेक्शन का, 30 हर्ट्ज का जो है वो यहाँ पे हाई पास, या फिर 150 हर्ट्ज का जो लो पास है, वो दोनों स्विच मिल जाते हैं। तो बेस भी आप जो है वो यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे दोनों चैनल के लिए सेपरेट नहीं दिया गया है। तो एक चैनल पे आपको, यानी एक अगर आप इसको लो पास को ऑन करते हैं तो दोनों चैनल पे जो है वो लो यानी बेस के लिए काम करेगा, बाकी लिमिटर ग्राउंड दोनों आपको देखने को मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे स्पीकॉन और प्लस यहाँ पे आउटपुट की, तो स्पीकॉन आपको दो स्पीकॉन मिल जाते हैं। आप ब्रिज का मोड का यूज करना चाहते हो चैनल वन पे आप जो है वो कनेक्शन चेंज कर सकते हैं, बट हाईली रिकमेंडेड अगर आप ब्रिज यूज कर रहे हैं तो इन सॉकेट्स का यूज करिए, यानी ये दो जो रेड हैं ये ब्रिज के लिए हो जाता है। बाकी नॉर्मल यूज करना तो चैनल 1 चैनल 2 के लिए ये सेपरेट हो जाता है। बाकी ये फ्यूज हो जाता है स्टार प्लस पेज से ही खुलेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। बाकी बार कोड हो जाता है, स्कैन करेंगे तो सेम एग्जैक्टली यही नंबर होगा। मैं बात करता हूं यहां पे देखिए साउंड स्टैंडर्ड बाय प्रोटेक भी जो है वो मेंशन यहां पे दिया हुआ है। ये साई का प्रोडक्ट है, यानी SAE जो है वो साई का ये प्रोडक्ट होता है जो कि
यहाँ पे ऑन करता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक ऑडियो इंडिया में, बाकी ये फैन हो जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया। ओवरऑल ये था इसका बैक लुक, अभी मैं आपको देता हूँ उसके बारे में कुछ और डिटेल। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे इस एम्पलीफायर को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मैं खोल चुका हूँ, जितने भी साइड के बोल्ट्स हैं। तो ये हो जाता है ओपन, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इंटरनल पार्ट है और ये सेफ्टी के लिए दिया जाता है बेसिकली। इसको भी अभी हम यहाँ से हटाते हैं। तो मैं बात करता हूँ एक एक करके सारी चीज़ों को आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट चैनल जो है वो मॉड्यूल जो है वो हमारे ये हो जाते हैं। अब यहाँ पे मॉड्यूल देखते हैं। तो एक चीज़ इसके अंदर दोस्तों हाईलाइट करने वाली ये पॉइंट है, आपको हाईलाइट मतलब आप इस बात का ध्यान रखना है आपने कि कभी आप अंदर से CA20 साउंड स्टैंडर्ड एम्पलीफायर कोई भी एम्पलीफायर हो अगर वो ओरिजिनल है तो वो हमेशा यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के अंदर होगा, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। मैसिव साइज यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कोई भी यहाँ पे देखिए साइज आप मेरा पूरा हाथ के हिसाब से देख सकते हैं, बल्कि उससे ऊपर ही जा रहा है, तो ये काफ़ी बड़ा जो है वो हमें ट्रांसफॉर्म में देखने को मिलता है। बेसिकली ये पूरा कॉपर होता है, इसको देखते हुए कवर जो है वो सेफ्टी के लिए हमें देखने को मिल जाता है। ये पावर सप्लाई हो जाता है, इसके अंदर जो कैपेसिटर्स हैं वो यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कैपेसिटर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट एक पॉइंट करने वाली, ये देखिए ये जो स्टिकर लगा हुआ है ना, जैसे कि आप बैक पैनल पर देख रहे होंगे वो स्टिकर जो था वो बेसिकली इसी से पूरा का पूरा मैच रहता है। बात करता हूँ कैपेसिटर की वैल्यू का, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो देख सकते हैं 15,000 UF और यहाँ पे ये 80 वोल्ट में हमें DC वाले जो है वो कैपेसिटर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी खासी दी गई है, जो कि फ्यूजेस मतलब फ्यूज से भी लगा रखा है और सेफ्टी रहेगा पावर सप्लाई का। आपका मॉड्यूल के अंदर भी देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज जो है वो मेंशन करे गए हैं, ट्रांजिस्टर्स जो है वो यहाँ पे मेंशन है, और ये ओवरऑल बोर्ड का पूरा काम है। ये पूरा का पूरा रिपेयरेबल है बेसिकली दोस्तों, अगर आपको ध्यान से देखने को मिल रहा है ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है वो बोर्ड यहाँ पे रिपेयरेबल है। अब ये देखिए ये सारे के सारे रेसिस्टेंस हो गया और इसके अंदर ट्रांजिस्टर हो गई, इसके अंदर IC हो गई और ये रिले हो गई, ये वाला बोर्ड हो गया, ये सारे के सारे ये रिपेयरेबल चीज़ है और मार्केट में इजीली मिलती है। इजीली मिलने का मतलब इतना मैं पूरा संतुष्टि से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली ये एम्पलीफायर सर्विस के लिए भी हमारे पास आते हैं, सारी चीज़ें हम करते हैं। तो कभी भी मुझे यहाँ पर पार्ट्स को लेके या फिर कैपेसिटर हो गए इसके या फिर ये ट्रांजिस्टर्स हो गए, चाहे वो इसके अंदर बेसिकली तो तोशिबा के लगे हुए हैं, चाहे वो कैसा भी हो कोई भी पार्ट हो उसके अंदर ओवरऑल वो सारे के सारे मिल जाते हैं। बात करता हूँ फ्रंट बोर्ड की, तो यहाँ पे आप फ्रंट बोर्ड जो है वो देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये फ्रंट बोर्ड हो जाता है, इसका ये फ्रंट बोर्ड हो जाता है, ये पीछे का ऑडियो कार्ड हो जाता है, ये ऑडियो कार्ड हो गया यहाँ पे। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा जो है वो ब्लैक बोर्ड में रहेगा और दो फैन जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, तो ये दो फैन हमें देखने को मिलते हैं और आगे की साइड ये फॉर्म दे रखी है ताकि जो गर्दा हो वो यहाँ से पास ना हो। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको इस एम्पलीफायर की देखने को मिल गई है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एम्पलीफायर फ्रंट एंड बैक पैनल से जरूर नीचे कमेंट बताना, साथ ही साथ मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाया इसका इंटरनल पार्ट की क्वालिटी, तो जरूर नीचे कमेंट बताएगा आपको कैसा लगा। बाकी दोस्तों इस बात का आपको ध्यान देना है ये एक पॉइंट कि ब्लैक बोर्ड के अंदर जो है वो ओरिजिनल साउंड सिस्टम बाय प्रोटेक्ट का जो एम्पलीफायर होता है वो सारा का सारा ब्लैक बोर्ड के अंदर होता है, यानी ब्लैक PCB के अंदर जो होता है सारा का सारा काम होता है, इस बात का आपको ध्यान देते हुए चलना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी बाकी स्पेसिफिकेशंस से लेके पावर स्पेसिफिकेशंस पे। तो यहाँ पे दोस्तों पावर आउटपुट में 8 ओम्स पे 1250 वाट, यानी 1250 वाट एक चैनल, 1250 वाट एक चैनल 8 ओम्स पे ये निकाल के दे देता है। यहाँ अगर हम बात करूँ 4 ओम्स की आउटपुट का, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये 4 ओम्स पे जो है वो 1950 वाट यानी 1950 वाट पर चैनल जो है वो निकाल के दे देगा। या अगर मैं बात करूँ 2 ओम्स पे, तो दोस्तों कंपनी कहती है आप 2 ओम्स पे काफ़ी चलाइए और यहाँ पे ट्राइड एंड टेस्टेड है ये एम्पलीफायर, बिकॉज इस एम्पलीफायर को मैंने काफ़ी सारे जो है वो सेटअप्स के साथ में दिया है और आप में से काफ़ी लोग जो है वो इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं 2 ओम्स को यूज़ में लेने पे, यानी जैसे कि आप 600 वाट के जो टॉप हैं वो काफ़ी मैंने सजेस्ट करें इसको लेके कि आप जो है वो C20 चला लीजिए। अगर आपका बजट कम है या फिर आपको एक ही एम्पलीफायर पर रन करना है सिर्फ और सिर्फ DJ के लिए, तो आप ये एम्पलीफायर लेके जाइए और काफ़ी लोगों का जो परफॉर्मेंस है 2 ओम्स पे वो वाकई में अच्छा है। तो 2700 वाट जो है वो आपको पर चैनल जो है वो निकाल के दे देता है। या अगर मैं बात करता हूँ ब्रिज मोड की, तो यस दोस्तों इसका जो ब्रिज मोड है वो फुल्ली वर्क करता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कि बस आपको लिख के दे दिया। तो ब्रिज पे अगर आप इस पे 8 ओम्स का लोड डालते हैं तो 8 ओम्स पे दोस्तों ये आपको 3900 वाट यानी 3900 वाट जो है वो आपको निकाल के देता है। दोनों चैनल को अगर आप मर्ज करेंगे पावर आउटपुट एक ब्रिज के लिए, तो यहाँ पे 3900 वाट यानी 3900 वाट जो है वो आपको 8 ओम्स पे दे देगा। यही अगर आप इससे भी मैसिव बेस है, अगर आप 4 ओम्स पे काफी ज्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं इसके साथ में, तो दोस्तों ये 4 ओम्स पे आपको 5400 वाट निकाल के देता है, जो कि आप अपने
काफी हैवी बेस अगर आपके पास हो तो उसके साथ में इसको यूज में ले सकते हैं। बात करता हूँ टेम्पो फैक्टर की दोस्तों, तीनों मॉडल में CA12, CA18 और CA20 में एक ही टेम्पो फैक्टर होता है, वो होता है 500 दोस्तों। अब आप कहेंगे कि टेम्पो फैक्टर कम है बेस के हिसाब से, नहीं दोस्तों, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ बेस के लिए, काफी में से आप में से जो भी व्यूअर्स अभी देख रहे होंगे ऑलरेडी इस एम्पलीफायर को यूज कर रहे हैं बेस के लिए। बात करता है टेस्टिंग की, तो दोस्तों यहाँ पे जो टेस्टिंग है ना वो मैं यहाँ पे आउटडोर में करने वाला हूँ। अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ पे बेस के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे लोड जो है मैं यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, जो लोड है दोस्तों वो मैं लोड यहाँ पे इससे ओवर डाल रहा हूँ। ये 1950 देता है हमें 4 ओम्स पे, मैं लोड यहाँ पे डाल रहा हूँ 3200 वाट यानी 1600 वाट एक एक चैनल पे जो है वो मैं डाल के आपको दिखाता हूँ। चलिए टेस्टिंग देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे भी टेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है सब कुछ, और यहाँ पे मैं एम्पलीफायर लगा चुका हूँ और सामने आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ है। तो मतलब भयंकर वाली टेस्टिंग होने वाली है। अभी मैं कनेक्शन जो है वो आपको समझा देता हूँ कि कनेक्शन जो है वो कैसे कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं अभी ये जो है पीछे यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं, मैं पहले बेस के पास ले चलता हूँ आपको। तो बेस के पीछे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेस में हमने एक ये इनपुट करा हुआ, दूसरा ये करा हुआ, ठीक है ना। उधर गई वायर, वो अब यहाँ दे सकते हैं, उधर गई। अभी यहाँ पे लाइनर भी हमने लगा रखे हैं, तो मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे टॉप लगानी है तो काफ़ी ज़्यादा हाइट हो जाती, तो मैंने कहा लाइनर में हमारा काम होगा। तो दो लाइनर हमने लगा रखे हैं और दो में भाई साहब भयंकर तबीयत सही हो जाएगी आप सभी की टेस्टिंग में। अभी आप देख रहे हो ना, तबीयत आपकी भी सही करके भेजूंगा यहाँ से। अभी देखिए टेस्टिंग, तो ये पूरा रेडी है और लाइनर के लिए हमने एक एम्पलीफायर यहाँ पे दिया हुआ है। फिलहाल मैं अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, और हमेशा मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, ऑन करने से पहले वॉल्यूम को आपको ज़ीरो पे ज़रूर लाना है, तभी ऑन करना है। प्रोडक्ट की लाइट जब तक ना हटे तब तक आपने वॉल्यूम को यहाँ बढ़ाना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अभी ये प्रोडक्ट की लाइट हटी, चलिए यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाते हैं, फुली करूँगा मैं। और जैसे कि मैंने बताया था बेस की पावर 3200 वाट है, यानी 3200 एक एक चैनल पे, ठीक है ना, एक एक चैनल पे और डाल लें, और जो भी है वो लाइनर लगे हुए हैं। तो फिलहाल मैं अभी फ़ैन पूरा ओके है, यहाँ पे ये चलनी है बिल्कुल करेक्ट है, एम्पलीफायर खोला हुआ है मैंने। चलिए यहाँ पे सॉन्ग प्ले करता हूँ। दोस्तों कैसी लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी। मैंने कहा था ना दोस्तों यहाँ पे पावर रेटिंग से ऊपर मैंने इस पे लोड डाला, परफॉर्मेंस आप देख चुके हैं, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे काफी लोग इस एम्पलीफायर को यूज कर रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों इसकी और भी डिटेल के बारे में, पॉइंट्स आपको ध्यान देने दोस्तों। साउंड स्टैंड बाय प्रोटेक होना चाहिए, ये चौड़ा सा स्टीकर होना चाहिए, कोने पे यहाँ पे स्विच होता है, बीच में नहीं होता है। बाय प्रोटेक, यहाँ पे प्रोटेक ऑडियो डिस्ट्रीब्यूटेड बाय प्रोटेक होता है। पीछे जो है वो यहाँ पे भी आपको मेंशन ये रहेगा, ओरिजिनल साइकिल साइड में भी यहाँ पे भी आपको जो है वो साई SAE जो है वो मेंशन रहता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। बाकी इंटरनल पार्ट की अगर मैं PCB की बात करूँ तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान देना है कि ब्लैक PCB में होता है, पूरा का पूरा ब्लैक PCB में जो है वो इसका पूरा काम करा जाता है। और यहाँ पे
रही बात कहाँ से अवेलेबल होगा, जैसे कि मैंने बताया लगे हाथ है आपको अवेलेबल भी करवा दूंगा, तो दोस्तों ये श्योर होगा व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर दे सकते हैं, ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। काफी लोगों का ये डिमांड था कि भैया कैश ऑन डिलीवरी करिए, तो दोस्तों ये काफी ज्यादा भारी प्रोडक्ट है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, तो ये प्रीपेड ही होगा। आप पैसा डालिए, निश्चिंत होकर, डीजे ब्लॉक की गारंटी है, यहाँ पे पैसा डालेंगे तो आपका प्रोडक्ट आपके पास सेफली जरूर पहुंचेगा। बाकी दोस्तों प्राइसिंग के लिए भी आप यहीं से कॉन्टेक्ट करिए, आपको प्राइसिंग डिटेल भी जो है वो मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और भी ऐसी वीडियोस आप सभी के लिए आने वाली हैं। साउंड स्टैंड का और कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए, यानी कौन सा प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है वो बताइएगा, मैं उसका अनबॉक्सिंग प्लस ऐसा जो है वो थोड़ा सा अलग कंटेंट में आप सभी के लिए लेते आता रहूंगा। तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलता हूं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।